मैं इसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स शेंजन लवर्स। शेंजन लवर्स मुराद मेरी है कि जो बंदा शौकीन है शेंजन में जाने के, इस वक्त दगा दग अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, एक ही कंट्री के अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, वो कंट्री है स्पेन, कि हमें यहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। और जो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ मेट्स हैं, कुछ जानने वाले हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं या कुछ एजेंट माफिया हैं, वो भी एक ही कंट्री के पीछे पड़े हुए हैं, स्पेन के पीछे। क्या दुनिया में और कोई शेंजन कंट्री नहीं है? क्या अगर एक बंदे का वीज़ा स्पेन का हो गया कि आपका वीज़ा वहीं का ही हो जाएगा? मेरी बात एक याद रखिएगा, आप जिस कंट्री का मर्ज़ी अप्लाई करें, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंट्री का, उनका एक कोटा होता है कि उन्होंने इतने बंदों को वीज़ा इशू करना है इस महीने या इस क्वार्टर में, इससे ज़्यादा वो इशू नहीं कर सकते। ये बात में याद रखिएगा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक नेशनल चैनल पर न्यूज़ ब्रेक हुई थी, वो न्यूज़ ब्रेक ये हुई थी कि इटली के स्टिकर्स चोरी हो गए, वीज़ा स्टिकर्स, हज़ार स्टिकर्स, फलां फलां। आपको पता है कि वो हज़ार स्टिकर्स चोरी हुए थे, तो मतलब उनका कोटा था, वो कोटा ईयरली था, मंथली था, क्वार्टरली था, इस बारे में कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके स्टिकर्स चोरी, उनका कोटा होता है हर किसी का। इसी तरह जो लोग स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मैं लोगों को डिसहर्ट नहीं करना चाह रहा कि उनका वीज़ा नहीं होगा, या जो अप्लाई करना चाह रहे हैं जिनके अपॉइंटमेंट्स हैं या कुछ भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है जो एक्चुअल फैक्ट है। कि एक बार मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी में 10 सीटें हैं, तो उस गाड़ी में 10 बंदे ही सवार होंगे, ना कि 11 बंदे या 12 बंदे सवार होंगे। बेशक आपने टिकट ली हुई है, बेशक आप उसके लिए एलिजिबल हैं, बेशक आप स्लिम एंड स्मार्ट हैं, लेकिन अगर आपके पास उसमें जगह नहीं है तो उसमें स्मार्ट उसमें सवार नहीं हो सकते। इसी तरह बात कहने का मतलब ये है, आपने बेशक आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर उसके कोटा पूरा हो गया तो आपको वो रिफ्यूज़ करेंगे किसी भी बेस पर, यानी कि कैसे पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपको क्लियर नहीं है, या फिर कोई भी बैंक स्टेटमेंट के इशू लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे यूके वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं कि उनका जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो वो एक चीज़ लिख देते हैं कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए कि आप जाके वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसी तरह शेंजन जो कंट्रीज वाले हैं वो भी ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसका एक ऑप्शनल एक हल है। ऑप्शन हल क्या है कि आप क्यों ना किसी और कंट्री का अप्लाई करें। आपको पता है कि जैसे ही COVID-19 आया था तो बॉर्डर्स पाकिस्तान के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए बंद कर दिए गए थे, वीज़ा रेशो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वीज़ा रेशो क्या, जब बॉर्डर्स ही बंद हो गए तो वीज़ा अप्लाई नहीं होते, लेकिन 2021 में मार्च के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं। उन्होंने समझ आ गई है कि हमें कोविड के साथ जीना पड़ेगा। पहले तो PCR टेस्ट मांग रहे थे, अब वैक्सीनेशन कार्ड मांग रहे हैं। अब वैक्सीनेशन कार्ड आपके साथ शो करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि हम लोगों को सिर्फ एक ही कंट्री के पीछे भाग रहे हैं, स्पेन के पीछे, स्पेन का वीज़ा हो जाएगा। हमारे कुछ यूट्यूबर्स भाई हैं, वो कोई या कोई इस तरह के फेसबुक पे हैं, वो कोई एक वीज़ा शो कर देते हैं या फलां कर देते हैं, हम लोग उसी को पीछे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिसकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको ये तो नहीं कन्फर्म कर सकता कि किस कंट्री की वीज़ा रेशो है, मैं आपको किस कंट्री का वीज़ा लगवा के दे सकता हूँ, ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। हमारा काम है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, कंसल्टेंट हैं, आपके केस की असेसमेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन एट दैट टाइम मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डेनमार्क या स्विट्ज़रलैंड का अप्लाई करें। इसकी वजह यह है कि ये ऐसे कंट्रीज़ हैं कि इनकी तरफ लोगों का रुझान कम है, लोग समझते हैं कि ये बड़े कंट्री हैं, इनके वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं होगी या फलां बेहतरीन है। मैं आपको बताऊं कि हमारी आदत नहीं है, मैंने पहले बताया था कि हम अपने पासपोर्ट शो करें या वीज़ा शो करें। हमने स्पेन के 6 वीज़े अप्लाई किए, जिसमें से हमारे 3 वीज़े ग्रांट हुए थे, 3 हमारे रिफ्यूज़ हुए थे। रिफ्यूज़ होने की वजह क्या थी, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, उन्होंने कहा कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं। हम लोग जिनके 3 वीज़े हुए हैं कि हम उनके मार्केटिंग शुरू कर दें कि जी हमारे 3 वीज़े ग्रांट हो गए, हम उनको बिठा के साथ इंटरव्यू लेना शुरू कर दें कि ये देखें जिनका वीज़ा हो गया, और जो आप लोग हमारे ऑफिस विजिट करना शुरू कर दें, हम आपको फिर ये भी बताएं ना कि हमारे 3 वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए। वो रिफ्यूज़ हम आपको ये नहीं बता रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे वीज़े ग्रांट हुए। तो आप ये चीज़ अपने जहन में रखें, कम अज़ कम कभी भी फाइल प्रिपरेशन करने से पहले ये चीज़ अपने जहन में रखें कि यार मैं जिसे काम करवा रहा हूँ या जो मैं काम करवाने लगा हूँ, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्या मेरा उसके वीज़ा होने के चांसेस हैं या नहीं है, कि मेरे पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे। बेशक इसकी वीज़ा फ़ीस सबकी सेम ही होती है, 80 यूरो फीस है एम्बेसी की, शेंजेंस की। कंसल्टेंसी फीस भी बहुत मुनासिब होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, ये आपको लगाना पड़ता है, सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब शेंजन के। इनमें इनविटेशन लेटर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ सिवाय कुछ कंट्रीज़ के, लेकिन जिस कंट्रीज़ में मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेस्ट कंट्री है, बेहतरीन है, वीज़ा रेशो बहुत बेहतरीन जा रही है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन कंट्री का अप्लाई करें, अल्लाह का नाम लेके, बेहतरीन वीज़ा रेशो होगी। बाकी खुदा मालिक है, वीज़ा होना ना होना वीज़ा ऑफिसर के हाथ में, वो आपको वीज़ा देता है या नहीं देता डॉक्यूमेंट्स पे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि स्पेन की जान छोड़ दें इस वक्त कुछ अर्से के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि इसके अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है,
अपॉइंटमेंट्स फुल हो चुकी हैं, सितंबर के एंड तक स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, लेकिन अब ये दादा लगा लें कि इतना रश पड़ गया है कि ये सुनने में आया था कि लास्ट महीने में 35,000 फाइल्स सबमिट हुई हैं। अब ये नहीं पता है कि रूमर्स हैं या हकीकत है, तो 35,000 एप्लीकेशंस कहना आसान नहीं है, जमा करना आसान नहीं है, लेकिन हुई होंगी क्या इस बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है। लेकिन अगर आप इसके लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं शेंजन के लिए, अगर आप बाकी शेंजन लवर हैं और आप डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं फिलहाल, तो आप डेनमार्क या स्विट्जरलैंड को चूज़ करें, ना कि स्पेन और जर्मनी को इस वक्त तक कुछ टाइम के लिए, बाकी आगे अपनी मर्ज़ी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ पर्सनल ही होगी। अगर आपको उसके मुताबिक की बात कुछ नहीं हो या हमसे कोई हेल्प चाहिए हो या हमारी कोई सर्विस चाहिए हो, हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 03470505236। ऑफिस का एड्रेस है सेकंड फ्लोर सुब प्लाजा चकसवारी, मेन बाजार चकसवारी, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत शुक्रिया बारे में लगा दो कि कुछ नई मालूमात के साथ, कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। खुदा हाफिज़।